तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो बवाल होने वाला है, मतलब क्या हो गया भाई, बॉलीवुड वालों जबरदस्ती के कंटेंट क्यों चिपका रहे हो जनता को, अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसे एक्टर एंड एक्ट्रेस जिन्हें विरासत में फिल्म इंडस्ट्री तो मिल गई, लेकिन अब इन्हें अपना अस्तित्व कहो या फिर वजूद कहो बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की। यस, इन्हीं की न्यू मूवी आने वाली है 21 जुलाई को और इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर कैसा है, मूवी की स्टोरी क्या है, क्या इस फिल्म से इन दोनों को कमबैक हो सकता है, मूवी किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, बजट कितना है, कास्ट कैसी होगी, ट्रेलर को पब्लिक से कैसे रिव्यू मिलने हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी वरुण धवन और जाह्नवी के डाई हार्ट फैन हैं और मूवी सिनेमा से लगातार अपडेट चाहते हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आफ्टर फ्लॉप ऑफ भेड़िया, वरुण धवन की एक और मूवी रिलीज होने जा रही है। भेड़िया फ्लॉप नहीं, एवरेज थी, मतलब फ्लॉपी थी, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। दोस्तों वरुण भाई को आखिर हो क्या गया, मतलब इस बंदे को सही फिल्म मिल नहीं रही है या ये बंदा जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है खुद के साथ। बद्रीनाथ की दुल्हनिया, मैं तेरा हीरो, ये फिल्में क्या सुपर डुपर हिट थी इसकी, और वैसे ही करेक्टर इन पे सूट भी करते हैं। जी दोस्तों, बवाल का ट्रेलर देख कर आ रहा हूं। सच में ये फिल्म बवाली होने वाली है। कुछ नया करने की कोशिश तो करी है, और सिर्फ आपको रोमांस और कॉमेडी ही नहीं मिलेगी देखने को, आपको हिस्ट्री का भी तड़का मिलने वाला है इसी के साथ। हाँ, ट्रेलर से साफ पता लग रहा है कि जबरदस्ती की कुछ खिचड़ी पकाने की कोशिश तो करी जा रही है। वर्ल्ड वॉर टू का कनेक्शन एक ऑर्डिनरी लाइफ से करा गया है, पता नहीं ये क्या कॉम्बो है, लोगों को पसंद आएगा या नहीं वो तो 21 जुलाई को पता लग जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ऐसे कॉन्टेंट में सिर्फ एक ही बंदा जमता है, राजकुमार राव, लेकिन वरुण धवन कहीं ना कहीं तक इसमें अनफिट दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे टिपिकल मैच्योर करेक्टर इन पे सूट नहीं करते हैं। इन पे सूट करते हैं फंकी कूल चुलबुलाहट वाले कॉमेडी करेक्टर, जो हम मैं तेरा हीरो और बद्रीनाथ की दुल्हनिया में जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। दूसरी तरफ भैया जाह्नवी कपूर, चलो थोड़ा बहुत इंप्रूव तो हो रहा है इनकी एक्टिंग में, डायलॉग डिलीवरी भी सही करते नजर आ रही हैं, पर कैरेक्टर और स्टाइल वही देखने को मिलेगा जैसा पिछली फिल्मों में छोड़ा था। दोस्तों बता दूं तो मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करी जानी है। देखो नितेश तिवारी जो दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके हैं, भाई इतना बड़ा डायरेक्टर सेफ खेलने की क्यों सोच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इन्हें भी खुद की इस फिल्म में भरोसा नहीं लग रहा है। खैर अपने को क्या, मूवी तो फ्री में देखने को मिली जाएगी। बात करें ट्रेलर की तो दोस्तों फर्स्ट हाफ में थोड़ा तो मजा आने वाला है, कॉमेडी और रोमांस का जबरदस्त तड़का मिलने वाला है, लेकिन सेकंड हाफ आप सभी को सर के ऊपर से जाने वाला है। बहुत ध्यान से और बारीकी से देखना पड़ेगा, तब तो तुम के द्वारा दिए गए सोशल मैसेज को पकड़ डालोगे। ट्रेलर में साफ पता लग रहा है कि पास्ट वर्ल्ड वॉर 2 का कनेक्शन अपनी रियल लाइफ से कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में अलग हिसाब की चल रही है। सर बहुत घूमने वाला है आपका सेकंड हाफ में। दूसरा ये कि स्टोरी हर बार की तरह ट्रेलर में ही रिवील करते नजर आ रहे हैं मेकर साहब। साफ पता लग रहा है कि मूवी में क्या क्या होने वाला है। वरुण धवन जो ग्रीडी बंदा है, किसका, अपनी झूठी इमेज का, मतलब इस बंदे के लिए इमेज सब कुछ है। झूठ बोल के किसी को भी फुद्दू चूतिया बनाना, अपने आप का ऊपर पहुंचाना, अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना, ये कैरेक्टर रहने वाला है वरुण धवन का पूरी मूवी में। और यहां इस फिल्म के जरिए मेकर्स पब्लिक को जबरदस्त स्ट्रांग मैसेज देने वाले हैं कि झूठी इमेज कुछ नहीं होती, दिल का साफ होना भी जरूरी है, वगैरह वगैरह। जाह्नवी की डायलॉग डिलीवरी भी जबरदस्त है इस बार तो, और सबसे मस्त वो लाइन लगी, हर इंसान के भीतर एक हिटलर छुपा हुआ है जो अपनी ही लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है जितना उसे मिला है। फिर भी बात करें ट्रेलर को कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, तो दोस्तों मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं। किसी को कुछ नया ही हिट हो रहा है मूवी में, तो किसी को कुछ भी कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बाकी बता दूं तो लगभग 40 से 50 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली बवाल, जिसे डायरेक्शन दिया है नितेश तिवारी ने और साजिद नाडियाडवाला के द्वारा, इसमें पैसा खर्चा गया। बात अगर कास्ट की करें तो मेन लीड में आपको वरुण धवन और जाह्नवी कपूर देखने को मिलेंगे, सपोर्टिंग में आपको पार्थ सिद्धपुरा जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। मूवी 21 जुलाई को रिलीज कर दी जानी है, वो भी OTT प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैंने बहुत बोली अब आपके बारे, अगर आप लोगों ने भी ट्रेलर को देख लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ट्रेलर आपको कैसा लगा। दूसरा, आपको क्या लगता है मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।